साई रिव्यू फार्मा के दर्शकों को नमस्कार। आइए आज हम फिर चलें डीएसटी सर्व की वेबसाइट में और देखें कि कौन सा नया प्रोजेक्ट प्रपोजल अभी चल रहा है या किसकी अनाउंसमेंट है। तो अनाउंसमेंट में क्लिक करेंगे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स तो थ्रू आउट ईयर होते हैं और अभी फिलहाल में सर्व इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस जिसको सायर बोलते हैं ये ओपन है और ये 3 अक्टूबर को ओपन हुआ था और 7 नवंबर को 5 o'clock तक ये ओपन रहेगा। तो इसको हम क्लिक करेंगे और ये देखिए ये सर्ब इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस सायर का वेब पेज खुल जाता है और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है या किसके लिए है उसके लिए हमको थोड़ा सा पहले ब्रीफ में जानेंगे इसको और फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और एलिजिबिलिटी के डिटेल्स में जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये हाई एंड रिसर्च ट्रेनिंग देने के लिए ये वाली ग्रांट होती है और इसमें ये होता है कि हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम किसी दूसरी जो लीडिंग इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ हैं अक्रॉस द ग्लोब ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी वहाँ हम 2 to 6 months के लिए ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात करें तो जो एप्लीकेंट है उसको पीएचडी डिग्री होना ज़रूरी है इन द एरिया ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। कहाँ से? फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि परमानेंट पोस्ट होनी चाहिए एप्लीकेंट की किसी भी इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एज लिमिट इसमें 40 ईयर्स है, लेकिन इसके अलावा भी जो SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन के लिए जो एज रिलैक्सेशन की जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स वो फॉलो किए जाएंगे। अब इसमें आप देखिए एक चीज़ है, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि क्यों ये ग्रांट है तो बेसिकली इस ग्रांट से ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि इंटरनेशनल R&D एक्सपीरियंस मिल सके हमारे यहाँ के साइंटिस्ट को, यहाँ के एप्लीकेंट्स को। और साथ ही साथ इससे स्ट्रेंथन होगा जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं वो, साथ में आपस में कोलैबोरेशंस डेवलप होते हैं विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। और इसमें ये है कि जो लेस एक्सप्लोर्ड एरियाज हैं उसको भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़ को वहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इंडियन नेशनल होना ज़रूरी है, PhD होना ज़रूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, परमानेंट पोजीशन में होना ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ और बोल रहे हैं कि MBBS, MD या वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी ये स्कीम जो है वो ओपन है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन ऐसे एप्लीकेंट्स जिनके पास टेयर अवार्ड है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पहले होस्ट इंस्टीट्यूट से अपने आप परमिशन लेनी होगी, उनसे सपोर्ट का एक लेटर लेना होगा और उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट जैसे कि मैंने बताया 40 ईयर्स है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है SC ST OBC फिजिकली चैलेंज्ड और वुमेन कैटेगरीज के लिए वो भी इसमें फॉलो होगा। अब बात करेंगे सिलेक्शन का, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपके पास अप्रूवल होना चाहिए रिसर्च प्लान का फ्रॉम ओवरसीज इंस्टीट्यूशंस। फिर एक सिलेक्शन कमिटी बनेगी और ये कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर जो इसमें बोला जा रहा है कि जो टेंटेटिव रिजल्ट होता है वो, द टेंटेटिव डेट ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट ऑफ सायर फर्स्ट कॉल विल बी 15 अप्रैल 2022। हाउएवर द डेट ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट मे डिफर ओइंग टू COVID-19 सिचुएशन। ये उन्होंने पुराना दिया हुआ है, अभी ये है कि ये डेट्स चेंज होंगी और अभी तो जैसे आपने देखा कि अनाउंसमेंट आया हुआ है। फिर ये है कि नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ सपोर्ट, तो आपको इसमें मंथली फेलोशिप कितनी मिलेगी, US$3,000। वन टाइम कंटिजेंसी प्रिपरेटरी अलाउंस ऑफ ₹75,000 टू कवर वीज़ा फीस, एयरपोर्ट ट्रांसफर चार्जेस एंड इंश्योरेंस, एंड ओवरसीज मेडिकल इंश्योरेंस इन इंडिया एंड अब्रॉड विल बी ऑफ ₹20,000। और साथ ही साथ यहाँ पर ये कह रहे हैं जो सिलेक्टेड फेलोज हैं उनको शॉर्टेस्ट रूट इकोनॉमी क्लास एयर फेयर भी मिलेगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क इन इंडिया टू द प्लेस ऑफ होस्ट इंस्टीट्यूट एंड बैक। अब बात करते हैं गाइडलाइंस की कि आपको क्या ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात कि जैसे कि हम सारे प्रपोजल्स ऑनलाइन फिल करते हैं उसी तरीके से इसको भी सर्ब ऑनलाइन की जो वेबसाइट है वहीं से आपको इसको फिल करना है। फिर उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में फिल करना है। मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया जा रहा है कि 6 months का है, तो 2 to 6 months जैसे हमने पहले ही देखा। और जो साइंटिस्ट या रिसर्चर्स हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए
उनकी जो सैलरी, लीव, मेडिकल ग्रेचुटी, जीपीएफ, पेंशन, वो सब जो है वो वैसे ही रहेगा। और ये मेन कह रहे हैं कि सर्ब के ऊपर कोई भी इस तरीके का बर्डन नहीं रहेगा। फिर देन कैंडिडेट सिलेक्टेड इन द प्रोग्राम विल कमेंस देयर रिसर्च इन ओवरसीज इंस्टीट्यूशन विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर। और 3 महीने के अंदर आपको अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेना है। और एंडोर्समेंट लेटर जो है ड्यूली साइन बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पर अप्लाइड है, मतलब उनको एनओसी आपको देना है कि उनको कोई एतराज नहीं है आपके जाने से। और साथ ही साथ होस्ट इंस्टीट्यूट से आपके पास लेटर ऑफ अप्रूवल होना चाहिए एंड कॉपी ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम होस्ट इंस्टीट्यूशन, मतलब उन्होंने आपको ऑफर दे दिया कि आ जाइए और फिर उनको एक्सेप्ट भी है कि हाँ आप आ रहे हैं। फिर हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, रजिस्टर करना है और उसके बाद आपको सिस्टमेटिकली पूरा फॉर्म जो है उसको फिल करना है। यहाँ पर टेम्पलेट भी दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो टेम्पलेट भी खुल जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक इन्होंने ये दिया है ओटीडी एसआईआर, तो अदर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं ये, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। और इसको देखिए तो बेसिकली इसमें आपको अपना वर्क प्लान देना है जिसमें कि मेथोडोलॉजी है 1 पेज की, जिसमें डिटेल्स होंगे कि आप किस तरीके से आप जो करना चाहते हैं उसके ऑब्जेक्टिव, उसका डिटेल प्लान क्या होगा, स्कीम्स, टेबल्स, फिगर्स, ये सब भी आप इसमें डाल सकते हैं। और सेकेंड है जस्टिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्लान, क्यों हम ये काम को करने वाले हैं वो जस्टिफिकेशन में आएगा और ये मैक्सिमम 1 पेज का होगा। तो इस तरीके से ये सायर फेलोशिप है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इसमें एलिजिबल हैं पहले आप देख लीजिए और अपने लिए एक होस्ट इंस्टीट्यूट से ऑफर लेटर मांग लीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद साई एडयू फार्मा। और हमारी जो प्लेलिस्ट है जिसमें कि पूरी फंडिंग एजेंसीज के बारे में दिया हुआ है, उसको जाइए और डिटेल में देखिए हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।